गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के क्लास में अपने देखने वाले सेम यूनिट वन साइज ऑफ अ लिटिल बर्ड का पेज नंबर 43 एंड पेज नंबर 44। 43 में दो एक्सरसाइज था स्टूडेंट्स, रीडिंग इज फन एंड लेट्स स्टॉप और लेट्स डू। रीडिंग इज फन में क्वेश्चन आंसर था वो आपने कर लिया है एंड लेट्स डू वाला जो एक्सरसाइज है पीकॉक जॉगर ने था वो भी फिनिश हो गया। तो अभी अपने देखेंगे पेज नंबर 43 में लेट्स टॉक। जैसे रीडिंग इज फन का जो क्वेश्चन आंसर था वो जो स्टोरी के हिसाब से क्वेश्चन आंसर किया था, लेकिन जो लेट्स टॉक वाला क्वेश्चन आंसर है वो आपको अपने आप के बारे में पूछा है। तो लेट्स टॉक में टू क्वेश्चन है स्टूडेंट। फर्स्ट वन, डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस। देखो ये वन साइज लिटिल बर्ड का जो स्टोरी था वो छोटा सा चाइल्ड था और बर्ड था, वो चाइल्ड ने बर्ड को देखा तो उसने बहुत कुछ बताया था। अभी ये आपको कुछ नहीं, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि क्या आपने कोई बर्ड्स को देखा है ऐसे आपके विंडो से या आपके डोर से या कि आप बाहर खड़े थे तब। तो आपने अगर देखा होगा यस, आपने बर्ड्स तो बहुत सारे बर्ड्स आपने देखा होगा आपके घर के बारे में, तो आंसर इज यस। डू यू सी एनी बर्ड्स अराउंड योर स्कूल और योर हाउस, तो आंसर क्या रहेगा यस। हाँ, मैंने तो बहुत सारे बर्ड्स देखे हैं, तो आंसर इज यस, YES, यस। ओके, सेकेंड क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट्स, हैव यू ट्राइड टॉकिंग टू देम। देखो आपने बर्ड्स तो देखा ही होगा यस, इसका आंसर भी यस है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा है स्टूडेंट्स आपको, क्या आप जो आप बर्ड्स देखते हो आपके घर के बाहर तो उससे आपने टॉकिंग की है, बात की है? तो आपने अगर किया होगा तो यस, अगर आपने नहीं मैंने बर्ड्स से आज तक बात नहीं की तो आंसर इज नो। ये दोनों में से कोई एक लिखना है आपके नोटबुक में। ओके, तो पेज नंबर 43 का लेट्स स्टॉप हो गया। तो नेक्स्ट पेज नंबर है स्टूडेंट्स पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 में टू एक्सरसाइज है, ट्रेस द डॉटेड लाइंस एंड लेटर्स एंड कलर द स्टार्स। फिर उसके नीचे कुछ टिक राइट द करेक्ट आंसर्स हैं। ओके, तो फर्स्ट मैं बता रही हूँ कि स्टार्स में क्या करना है आपको। देखो एम एन पी क्यू एंड टी, ये फाइव स्मॉल अल्फाबेट्स गिवन है, वो जो डॉटेड लाइंस है उसके ऊपर ही आपको लिखना है एंड क्या करना है वो स्टार्स में आपको कलर्स फिल करना है। हो गया, नेक्स्ट नीचे का जो एक्सरसाइज है टिक राइट द करेक्ट आंसर। तो उसमें सेवन क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट्स, तो अपने एक एक करके देखेंगे। तो उन्होंने टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो इस साइड में एक हाउस का पिक्चर भी दिया है और उसमें बहुत सारे कलर्स यूज किए हैं, रेड पिंक ग्रीन ब्लू ब्राउन ये। तो उन्होंने अपने को हर एक में टू ऑप्शन दिया है, जैसे कि फर्स्ट पूछा है टी एच ई द आर डबल टिक मार। अब थर्ड क्वेश्चन है टी एच ई द डब्ल्यू
Thank you.